आज हम हैदराबादी बिरयानी बनाने वाले हैं। मैंने बासमती चावल लिए हैं, इसको साफ पानी से धो के हम एक घंटे के लिए भिगोएंगे। चावल को भिगो के हुए एक घंटा हो गया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे और उसको उबलने के लिए रखेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें 2 दालचीनी और 2 तेज पत्ता डालेंगे। पानी का उबाल आ गया है, 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। अभी चावल डालेंगे उसमें। एटी परसेंट तक इसको पकाना है। हमारे चावल पक गए हैं। चावल पके हैं कि नहीं वो ये देखने के लिए ऐसे करना है। अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। चावल को ठंडा होने देना चाहिए, इसे रूम टेम्परेचर में आए बाद में ही बिरयानी बनानी है। बहुत जल्दी हो तो इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर दीजिए। हमारा राइस ठंडा हो गया है। अब इसमें एक पैन में तेल लेंगे और इसमें काजू फ्राई करेंगे। थोड़ा ही फ्राई करना है इसे। अब हम इसे निकाल लेंगे। दो टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1 बाउल प्याज, इसे अच्छी तरह भुनना है। इसमें अभी फूल गोभी 1 बाउल, 1 बाउल आलू, 1/2 नमक डालकर उसको 5 मिनट तक पकाएंगे ढककर। धीमी आंच पर पकाना है। 5 मिनट हो गया है। अभी कैरेट डालेंगे 1 बाउल, एक बाउल कैप्सिकम, 1/2 बाउल। सब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये उबले हुए पीस हैं, पहले से मैंने बॉईल करके रखा था। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च, 1/2 बाउल पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी भी मैंने पहले से बॉईल करके रखी थी। बॉईल करके उसको अच्छी तरह पीस लेना है। आधी टेबल स्पून बिरयानी का मसाला, बिरयानी का मसाला ना हो तो गरम मसाला भी चलेगा। 1 टेबल स्पून नमक, हमने चावल में भी पहले नमक डाला था उबलते समय। 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, 1/2 ऑनियन है लंबी लंबी काट के उसको फ्राई कर ली थी।
आधी टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। और एक टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। बिरयानी को सौंकी टेस्ट देने के लिए हम चारकोल को ऐसे गैस पर रखेंगे, अच्छी तरह जलने देंगे उसको। अब इसे बिरयानी के बीच में रख देंगे। और इसमें एक टेबलस्पून घी डालेंगे उसके ऊपर। उसको अच्छी तरह ढक लेंगे, 2 मिनट तक ढक के रखना है। हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, अभी इसे निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा बिरयानी का टेस्ट स्मोकी आ जाएगा।